नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उज्जैन के बड़नगर SDM आकाश सिंह पर लगे हैं आरोप। तरुणों के भ्रष्टाचार का भी है आरोप SDM पर। अवैध उत्खनन के मामले में SDM आकाश सिंह द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाना ठेकेदारों से उसकी साठगांठ उजागर कर रहा है। वही पूर्व में सिंगरौली जिले में पदस्थ रहते हुए रेलवे की भूमि पर बने मकानों को चोरी करने का भी आरोप IAS अधिकारी SDM आकाश सिंह पर लग चुका है, जिसके विरोध में सिंगरौली में राजनेताओं द्वारा पर कार्रवाई करवाने को लेकर अनशन पर भी बैठे थे प्रशासन के खिलाफ। उसके बाद आकाश सिंह की पदस्थापना बड़नगर में हुई है। यहां पर भी अपने काले कारनामों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या है आरोप। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मुद्दे हम जो कि पूर्व में ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं माननीय कलेक्टर महोदय की हाँ ज्ञापन दे करके और सूचना दे करके उनके संज्ञान में डाल दिया था, पर हमारे मुद्दों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसलिए हम यह अनशन थाने के सामने प्रक्रिया कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इसमें उपखंड अधिकारी IAS आकाश सिंह मकान चोर है और उपखंड अधिकारी IAS के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा यह अनशन अनवरत चालू रहेगा। इसके लिए हमने यह अनशन की कार्रवाई शुरू की है, जिसमें रेलवे ने अपने पत्रों में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि नहीं IAS आकाश सिंह मकान चोरी किए हुए हैं। जब तक मैंने इसकी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा। अनशन का प्रमुख मुद्दा क्या है? अनशन के हमारे 10 प्रमुख मुद्दे हैं जो कि हम आपको मैंने ज्ञापन की कॉपी दे देंगे, अवेलेबल करा देंगे। और अनशन के प्रमुख मुद्दों में सारे मुद्दे हमारे NH के कारण जो अभी बीच बीच में घटनाएं हो रही हैं 10 साल से इन मैंने प्रक्रियाओं के कारण रोड न बनने के कारण और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो है जनहित के जो मुद्दे हैं और मूल भूमि स्वामियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, मकान चुरा चुरा करके भुगतान किया जा रहा है, उसके संबंध में हमारा अनशन यह अनवरत चालू हो गया। प्रशासन अभी तक आपसे मिलने आया या फिर आपके मुद्दों को सुनने आया? नहीं, हमारे पास प्रशासन के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा अभी तक मिलने की कोशिश नहीं की गई और हमें बदनाम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि हम मुआवजा रुकवा रहे हैं, जो कि हम हमेशा मूल भूमि स्वामी के मुआवजा की हित की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। क्या शुक्ला जी, आप ये बताना चाहते हैं कि यह भाजपा सरकार के क्या नेता भी मिले हुए हैं इसमें? हमारा तो ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाजपा कांग्रेस के बहुत से कांग्रेस हम खुद कांग्रेस के हैं तब पर भी कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अगर न मिले होते तो इनके ऊपर अभी कार्रवाई हो गई होती। क्या चाहते हैं कि आपकी भी पार्टी उतनी ही दोषी जितना भाजपा? नहीं, उतनी दोषी नहीं है। सबसे बड़ी दोषी जो सत्ता को चला रही हो सबसे बड़ी दोषी है। और मैंने ये कि हम शासन को आकृष्ट कराने का जो शासन की चलाने की जवाबदारी है उनकी सारी जवाबदारियां हैं। शासन की कार्य प्रणाली या भाजपा की पार्टी की कार्यकर्ताओं से या भाजपा के नेताओं? नहीं, अभी हम भाजपा के माननीय जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधायकों के द्वारा यह स्टेटमेंट प्रमुख मीडिया में यह खबर प्रकाशित की गई थी कि हम मैंने रेलवे नौकरी के संबंध में हम विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे उस